ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था एकदम से, मेरे हार्ट बीट स्लो हो गई थी, हाथ पर सन पड़ गए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा हूँ। मेरे हाथ पर सुन पड़े हैं, मैं अभी भी टिप पे हम पहुँच गए हैं 17,586 फीट ऊपर। हाँ हाँ, इसी को दिखा रहा हूँ आपको। नो मैम, अभी बनाया नहीं है। नो 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 नो। तो एक हमें छोटा सा सरप्राइज मिला है, देख सकते हैं आप, ये छोटा सा सरप्राइज, और इसमें से हवा लीक हो रही है। ये कहाँ चढ़ा दिया भाई, ये एक ही फ्लो में चढ़ेगी, अगर एक्सलेटर छोड़ा तो वापसी चली जाएगी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाइएगा इस, अब नहीं रुकेगी, बन गया फ्लो। इतना मत रुको मेरे लिए, मेरी शेर नहीं है, खुद ले जाइए मेरा को। What is this place? Oh, acha.
तो ये है हमारे लेह लद्दाख का मॉल रोड। कल रात में हम यहाँ पे पैदल टहलने के लिए आए थे तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि यहाँ का मसला है कि यहाँ पे बार बार रोड बंद कर देते हैं। कभी मनाली की साइड से रोड बंद हो जाता है, कभी कश्मीर की साइड से रोड बंद हो जाता है, तो इसलिए लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। बस शौकीन लोग ही होते हैं जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए, जिनको रास्ता बंद हो कुछ भी हो आना है तो आना है, तो वही लोग यहाँ पे आते हैं बस। बाकी लोग फ्लाइट से आते हैं, तो मतलब जो घुमा फिरा के बात यह है कि यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं घूमने के लिए। ये सामने वाले जो है मॉल रोड या मेन मॉल रोड है, तो अभी हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं है यहाँ का, अभी हम सीधा निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वो सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे उनके बीचों बीच, और वहाँ पे है बहुत ज़्यादा बर्फ, तो आने वाला है मज़ा क्योंकि बाइक जाएगी अब सीधा बर्फ़ में। ओए होए, अरे कितना खूबसूरत बना रखा है यार गेट। मतलब इतना ज़्यादा कलरिंग है कि नज़र नहीं हट रही है देखने में, इतना खूबसूरत बना रखा। और ये कितनी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऐसी जगह बनाते हैं कि बंदा रोक के फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकता। भाई जितना भी सामने देख रहा है ना, ये लेह सिटी है पूरी, नीचे लेह लद्दाख की पूरी सिटी नीचे। और यही रास्ता एयरपोर्ट भी जाता है, यही रास्ता मनाली भी जाता है, और यही रास्ता चांगला भी जाता है। ये एक रास्ता कितनी जगह जाता है, पैंगोंग TSO, हान एल तस्मोरीरी, अरे यार कैसे कैसे नाम है, तस्मोरीरी भाई। बिल्कुल सूखे रेत पहाड़ है, बिल्कुल रेत वाला एकदम सूखा, लेकिन जितना सूखा रेतीला है उतना ही ज़्यादा ठंडा भी है। यहाँ पर अच्छा खासी ठंड पड़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं चांगला, और चांगला के बाद वहीं से निकलेंगे सीधा मनाली, और मनाली के बाद सीधा दिल्ली। तो हमारा ट्रिप बस कंप्लीट हो गया है, सम रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें अपना ट्रिप जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है, नहीं तो हमारा और भी लोकेशन से जाने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ फिर से, जो भी मेरी लोकेशन है मुझसे छूटी है वो मैं अपनी सारी लोकेशन ने कंप्लीट करूँ एक बार। और अभी एक ट्रिप लगाना ज़रूरी है हमारे लिए फिर से, तो इस बार इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हमारे दो दोस्त हैं, एक सिराज है और एक है आसिफ, मेरा कॉलेज का बड़ी है आसिफ, कॉलेज का मेरा फर्स्ट बड़ी, और सिराज जो है वो मेरा लोकेलिटी का फ्रेंड है जो घर के पास ही रहता है। तो इन दोनों के साथ आएंगे, उस टाइम आपको दिखाएंगे एंजॉयमेंट, खूब मस्ती होगी, बहुत मज़ा आएगा। Me too, sir.
नो मैम अभी बनाया नहीं है. नो 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 ना नहीं. ओके नहीं मैंने वो पूरा कर रखा है, लेकिन पेमेंट ऑप्शन ना ऐसा ऐसा आ रहा है जो मेरे पास है ही नहीं. पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, लेकिन हाँ वो मेरे पास है लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है. मैं आपको दिखा देता हूँ. होगा तो फिर हम करेगा. कितना पर्सन है? तीन लोग हैं. 1300. अच्छा ये वाइल्ड लाइफ, फ्री वाइल्ड लाइफ करके क्या है? वाइल्ड लाइफ का फीस पर डे पर पर्सन होता है. हाँ. वो कितना किया आपने? वो इसमें जुड़ के आई है वैसे. 1200 रुपये उसकी फीस है और 120 रुपये वाइल्ड लाइफ की कट गई है, तीन बंदों की. वो आप खुद कटा? हाँ खुद ही कट गई है साथ में. जब भी तो ये 1320 रुपये आ रहे हैं तो मतलब उसके बारे में बताइए है क्या चीज़ वाइल्ड लाइफ के बारे में. वाइल्ड लाइफ का हमें पता नहीं है, वाइल्ड लाइफ हमारे अंदर. अच्छा बस आप उस. अच्छा मेरा तो 400 रुपीज, मेरा तो 400 रुपीज़ ले रहा है पर पर्सन. डेट कितना है उसमें? मेरा एक ही दिन का है, मेरा 5 से 6 तारीख का. तो पेमेंट कैसा? 1320 नहीं बंदे, हम यहीं से घूम के सीधा मनाली से निकल जाएंगे हम. फिर ठीक है पेमेंट? हाँ हाँ आप बताइए. ठीक है ना? ठीक है. 400 रुपीज़. हाँ और 120 रुपीज़ वाइल्ड लाइफ का है, वाइल्ड लाइफ चार्ज है. भाई साहब कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में. एक तो इतना स्मूथ रोड, ऊपर से कर्व्स, ओहो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा. हल्की तो नहीं है, खैर ठंड तो ज़्यादा है, लेकिन हमने जितना पहन रखा है इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है. लेकिन भाई यार कितना प्यारा लग रहा है. काश कि कोई हमारे सामने से वीडियो बना दे. अरे क्या हो गया भैया, इतना अच्छा रोड चल रहा था, इतना बढ़िया मज़ा आ रहा था, एकदम ही इतना बेकार हो गया रोड यार. नज़र लग गई क्या रोड को? और ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सब के सब खड़े हैं आर्मी वाले, आर्मी वाले अंकल खड़े हैं. क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? फोटो चल रहा, फोटो सेशन चल रहा है भैया यहाँ तो. ओह माय गॉड सीरियसली. रिएक्शन स्प्लेंडर को देख के. तो जो लोग कह रहे थे कि स्प्लेंडर ले नहीं आ सकती, अरे ले की बात करो, हम इसे ऑफ रोडिंग करा रहे हैं और दिखाते हैं आपको लास्ट लोकेशन हम इसे कहाँ तक लेके जाएंगे. बिल्कुल टॉप तक लेके जाऊंगा. तो गाइज यही जा रही है अभी टॉप तक. अब देखिए मैं इसको बिल्कुल हेल पे लेके जाके फिर वहाँ शूट करना है मेरे को इसका. तो एक हमें छोटा सा सरप्राइज मिला है, देख सकते हैं आप ये छोटा सा सरप्राइज. और इसमें से हवा लीक हो रही है, पानी डाल के चेक करा हमने. ज़मीन से 15,000 फीट ऊपर हमारी गाड़ी के टायर में हुआ पंचर. कोई बात नहीं, हमारे पास सारा इंतज़ाम है. लीकेज हो रहा है? लीक है? कोई नहीं, आप उसे छोड़ो, व्यू को एंजॉय करो. आप सोच रहे होगे कि मैं इतने गहरी गहरी सांसें क्यों ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों गहरी गहरी सांसें आ रही हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है. भाई ये तो रास्ता छोटे पे छोटा होता जा रहा है. इतना बढ़िया स्मूथ रोड था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, कच्चा हुआ, अब और छोटा हो गया रास्ता. कच्चा तो वैसा ही है अभी. यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये पहाड़ पे जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे एप्पल का जूस फ़ायदेमंद है क्या?
क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा जो यहाँ पे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, वो सब के सब एप्पल जूस पी रहे हैं। तो रीज़न क्या है ये, किसी को पता हो तो यार कमेंट करके मुझे ही बताना। चेक करके बताओ आपको इस पे जो पिछी हुई है चादर वो कौन सी लग रही है, कॉटन की, साटन की या वेलवेट की। मुझे तो बस अच्छी लग रही है, बाकी आप बताओ देख के कि कैसी लग रही है। ओह कौन से ब्रांड है। अबे सारे पॉल वॉकर की छठी औलाद बन रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई डर लग रहा। ओ भाई इससे पहले दो और आए थे वो उससे भी खतरनाक थे। मैं यहाँ पे भी आशिकी दिखा रखी लोगों ने पत्थरों पे। और ये वादियों का मजा लेती हुई चील, तू पहले आ जा साले किराए की बाइक वाले। देख कर आते हैं आखिर कौन सा हाईवे बना रहा भाई ये, जो इतना टाइम लगा रहा है। खोल रहे हो क्या, खोल रहे हो क्या, कितनी देर में? 10 मिनट में। तो ओके तो ये रोड बना रहे हैं सर। तो गाइस तो भाई यहाँ के लोकल लोग देखो कितने बढ़िया हैं। खोल दो भाई खोल दो सरिया निकालीस। हाँ कोई नहीं। तो भाई इन्होंने हमसे भी काम करवा दिया। रोड खुल चुका है, पहले हम उधर से आने देंगे लोगों को। ये वाले लोग इधर से बार बार बढ़ रहे थे लेकिन हमने रोक दिया, हमने कहा नहीं पहले उधर से आने दो लोगों को फिर इधर से जाएंगे, क्योंकि उधर से छोटा है रास्ता इधर से छोड़ा है। तो भाई जल्दी जल्दी निकलो यार, पर रह गया मुश्किल से 5 या 7 या 8 किलोमीटर दूर। और जल्दी से पहुंचते हैं और फिर शूट करते हैं वहां का, देखते हैं कैसा दिखता है ऊपर से। सुनने में तो ज़्यादा ख़ास नहीं होगा क्योंकि 33 किलोमीटर की हाइट है लेकिन 17,500 फीट ऊंची है। ए हमने उस बर्फ़ के रॉड के साथ अभी हमने खेला तो हमारे ग्लव्स गीला नहीं हुआ लेकिन जम गया, ठंडा हो गया बुरी तरीके से। आइस यार कितना प्यारा लग रहा है, एक तो वाइट वाइट बिल्कुल, मुझे यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ नीचे का लग रहा है। तो थोड़ी सी बर्फ़ बर्फ़ पिघली पड़ी है यहाँ पे, रोड पे सब पानी पानी हो रहा है और रोड ख़राब भी हो रहा है। और हम चल रहे हैं बिल्कुल किनारे पे, देख सकते हो आप नीचे हाइट, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ओह और ये पानी पानी हर जगह पानी भाई, अब यहाँ पे टेम्परेचर इतना गिर चुका है कि हमारे मुंह से भी भाप निकलना शुरू हो गई है। अब हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, मंजिल के करीब ही हैं। नहीं चढ़ पा रही। चढ़ गई। पता नहीं क्या गाइस, मैंने अभी काम कराया जबकि इसका क्लच का सब कुछ, लेकिन जब भी ये रुक जा रही है इससे या भाई तो स्प्लेंडर बहुत बढ़िया है यार, फर्स्ट क्लास चलती जा रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, दोनों तरफ बर्फ।
और बीच में ऑफ रोडिंग, दोनों तरफ बर्फ और बीच में रास्ता। ओ DL8C थार, TL1C। अरे भाई साहब ये तो बीत गई, इसे कहाँ लेके घूम रहे हो? तो भाई देख सकते हो आप, चांगला की चोटी पे हम पहुंच गए हैं, 17,586 फीट ऊपर। हाँ हाँ इसी को दिखा रहा हूँ आपको, देख लो, और फर्स्ट क्लास चल रही है अभी भी। हर घर तिरंगा होस्टिंग नेशनल फ्लैग एट चांगला 1750 फीट वर्ल्ड 10 हाईएस्ट मोटरेबल पास। ऐसा लगाओ बिल्कुल, तो फाइनली खड़ी हो गई हमारी धन्नो। ए धन्नो धन्नो, तो देख सकते हो आप। तो भाई देख सकते हो तुम्हारा भाई आ चुका है बिल्कुल टॉप हिल पे, और ये देख सकते हो पीछे 17,586 फीट की ऊंचाई पे वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट प्लेस के ऊपर हम खड़े हुए हैं। और मैंने कहा था मैं स्प्लेंडर को लेकर आऊँगा सबसे टॉप पे, तो मैं लेकर आ गया। और देख सकते हो भाई ये खड़ी मेरी स्प्लेंडर, और ये खड़ी मेरी RS, और ये खड़ी मेरी रॉयल एनफील्ड, और भाई लेकर आए हमारे भाई इसको हाइट पे यहाँ पे। तो फाइनली मेरा चैलेंज था और वो मैंने पूरा कर दिया। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, और जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती चली जाएगी ठंड पड़ती चली जाएगी। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और धूप बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे ही सूरज डूबेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई, यहाँ पे यहाँ रुक नहीं सकते। तो अभी आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना ज़बरदस्त व्यू है। में अभी मेरी सच में हालत ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, एकदम से मेरे हार्ट बीट स्लो हो गई थी, हाथ पर सन पड़ गए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा हूँ। मेरे हाथ पर सन पड़े हैं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी नीचे उतर जाऊँ। अरे भाई हट जा। जब तक कोई फील नहीं हुआ, लेकिन एकदम से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जम गया भाई मैं ठंड के मारे। जल्दी जल्दी चल धन्नो, नीचे लेके चल, अब हिम्मत नहीं है यहाँ रुकने की। हाथों में गर्मी आई, अब मैंने ऐसी पहन दी थी ग्लव्स बिना पैक करे बिना कुछ करे, और
भाई मेरे GoPro की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अभी मैंने थर्ड बैटरी लगाई है। ओ भाई मैं बीच बीच में जो शूट कर रहा था वो मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं तब भी बार बार ऑन कर करके बीच में बार बार ऑन कर करके अपना शूट कंटिन्यू कर रहा था। तो मैं कह रहा था आपसे कि मैं ठीक था बिल्कुल वहाँ पे, लेकिन अचानक से एकदम मेरे ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबा दिया, मेरी सांसें बैठ गई एकदम और मुझे ऑक्सीजन आना बिल्कुल बंद हो गई। मैं एक अंकल को ज्ञान दे रहा था कि ऐसे कर लेना वैसा कर लेना, मेरी वाट लग गई सेकंडों में, और बात करते करते मेरी एकदम आँखें मतलब अंधेरा सा छाने लगा आँखों के सामने। तो मैंने फटाफट उठाया हेलमेट और जैसे तैसे फटाफट पहन के ग्लव्स उल्टे सीधे पहन के और मैं वहाँ से भागा निकल के। उसके बाद मैंने 5 किलोमीटर तक क्वालिटी के नहीं देखा भाई, मेरा सामान कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, मैं भगाता चला गया बाइक अब आके नीचे थोड़ा सा रुका हूँ, एक घुट मैंने पानी पिया जो मेरा गला सूख गया था उसकी वजह से, और फिर मैंने अपना सामान वन सेट करा और बैटरी चेंज करी, देन अब मैं नीचे चल रहा हूँ। भाई यहाँ पर आओ, किसी को भी आना है आओ, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन सुबह में निकलो दोपहर तक यहाँ पहुँचो और दोपहर से निकल के शाम तक नीचे उतर जाओ। शाम में बिल्कुल कोशिश मत करना यहाँ रुकने की, क्योंकि शाम में बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है यहाँ का और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। भाई रहम करे ऊपर वाला। चलो फाइनली अब तो हम नीचे उतर ही रहे हैं, अब नीचे उतर के मिलते हैं। भाई चढ़ते वक्त तो आपने सब कुछ देख ही लिया है, बहुत ठंड लग रही है और मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ना इसकी वजह से मेरी सांसें और फूल रही हैं। तो आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है इस टाइम, और आप यही नहीं मानेंगे मैं नीचे चल के दिखाऊँगा मैं कितने लेयर पहना हुआ हूँ अंदर, उसके बाद भी मेरी हालत ख़राब हो रही है। व्यू इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना इस टाइम कि बस मन कर रहा है यहीं पे साइड में टेंट लगा के बैठ जाऊँ, लेकिन सुबह तक शायद मेरी लाश मिलेगी यहाँ पे, वो भी जमी हुई। तो अस्तगफिरुल्लाह, चलते भाई नीचे। भाई साहब हम जब ऊपर से नीचे आ रहे थे आपको दिखा, आप जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो मेरी GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी, और मैंने आपको बताया भी जो भी जितना भी बता सकता था, बार बार मेरा GoPro ऑफ हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, और ऊपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मेरे दम भी घुटने लगा था। तो जैसे तैसे भी हुआ मैंने उल्टा सीधा पहना और भागा मैं वहाँ से निकल के, मेरे हाथ पे पूरे सुन पड़ गए थे बुरी तरीके से। तो मैंने रास्ते का शूट नहीं किया वापसी का, क्योंकि जान है तो जान है, इस चक्कर में मैं जैसे तैसे नीचे उतर के आया। आने के बाद फाइनली नीचे आके मैंने अपने चैन से सांस ली, आके मैंने थोड़ा सा कुछ खाया है। सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें अगर आप ऐसी लोकेशन पे जाएं तो आप मक्खन अपने साथ रख के रहें। मेरे जो साथ के राइडर्स थे उनके पास था वो, लेकिन वो मेरे से आगे निकल गए थे, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में उनके पास पहुंचा, लेकिन नहीं पहुंच पाया। बहुत कोशिश करी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था और रास्ता भी बहुत ख़राब था, मेरा रास्ते में बैग भी गिर गया था, उसको भी उठा के लगाया, जैसे तैसे मैं करके आ गया फाइनली। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि चैलेंज है मेरा कि मैं स्प्लेंडर को लेकर जाऊँगा टॉप हिल तक, जहाँ तक हो सकेगा। तो फाइनली ये सबसे टॉप हिल थी, हाईएस्ट टॉप 10 हाईएस्ट हिल है उसमें ये आती है, लेकिन जो हमने पढ़ा था उसके बारे में तो लिखा था कि ये टॉप 3 में आती है। तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन 17,500 फिट हाइट थी, और फाइनली हमने अपना टारगेट पूरा करा स्प्लेंडर को अपना इतनी हाइट तक लेके जाके, और फर्स्ट क्लास चल रही है अभी हमारी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस थैंक्स फॉर सपोर्टिंग और इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। ब्लॉग्स बहुत अच्छे जा रहे हैं मेरे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि हमारे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच लद्दाख के लोग और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने, उनके लिए
और चंडीगढ़ के लिए मैं दिल से कहूँगा थैंक यू, क्योंकि बहुत सपोर्टेबल लोग हैं वहाँ के, तो थैंक यू सो मच अगेन। तो बस यही कहूँगा कि अगर व्लॉग में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और भाई अगर व्लॉग यहाँ तक देखा है एंड तक, तो भाई कमेंट ज़रूर करना और बताना कैसा लगा व्लॉग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।